स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स का ट्रेलर नंबर 3 यूट्यूब पर आ चुका है और इस ट्रेलर से सोनी ने यह बता दिया है कि सोनी की बाकी मूवी से बहुत ही अलग और इम्पॉर्टेंट है, और क्योंकि वो इसे दो पार्ट में डिवाइड करके बना रहे हैं, और ये इसलिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि उन्होंने ये जो इतना सारा रायता फैलाया है उसे समेटने में कम से कम दो मूवी तो लगेंगी। और इस मूवी के विलन को भी इसमें प्रॉपरली दिखाया गया है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो क्या कर सकता है, उसके पावर्स क्या हैं वगैरह वगैरह। बाकी इस ट्रेलर से हमें अपने इंडियन स्पाइडरमैन यानी कि पवित्र प्रभाकर को भी दिखाया गया है, हालांकि इसके कॉस्ट्यूम को पूरे तरीके से चेंज कर दिया गया है इसके कॉमिक के कॉस्ट्यूम से। अगर आप उसके कॉमिक के कॉस्ट्यूम को देखेंगे तो आप क्लियरली नोटिस कर सकते हैं कि वो कितना डिफरेंट है। और इसमें हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि माइल्स की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिस कारण से सभी स्पाइडरमैन खतरे में आ जाएंगे, और इसी को रोकने के लिए वो सभी माइल्स से लड़ रहे हैं। बाकी उन्होंने फन वे में मीम पोस्टर को भी दिखाया है जो कि नो वे होम के समय काफ़ी वायरल हुआ था, और इस ट्रेलर में माइल्स कहता है कि वो किसी की जान बचाने जा रहा है, और हो सकता है कि वो उसके अंकल हो जिस कार्ड से ये सारा रायता फैला है, और हो सकता है कि इसी वजह से सभी लोग उसे रोक रहे हैं। और ट्रेलर में हमें कुछ एक्स्ट्रा स्पाइडरमैन भी दिखाए गए हैं जिनके ऊपर मैं जल्द ही एक और वीडियो बनाऊंगा, और सोनी ने अपने इस ट्रेलर में पूरी कोशिश की है कि उसकी स्टोरी को एक्सप्लेन ना करे, क्योंकि सोनी बाकी के ट्रेलर्स को अगर देखेंगे तो उन्होंने हमेशा अपने ट्रेलर में ही पूरी स्टोरी एक्सप्लेन कर दी है। और इस ट्रेलर के ऊपर से व्हाट्सअप डेंजर वाला म्यूजिक भाई क्या बोल, एकदम चार चांद लगा देता है इस ट्रेलर में। यानी कि हमने स्पाइडरमैन 1 में जब उसे नोटिस किया था ना भाई, तो वो गाना मेरा फेवरेट बन गया था। और इस मूवी के लास्ट में इन्फिनिटी वॉर वाला जैसा हाल होगा जैसे कि अपने अवेंजर्स हार गए थे, तो हो सकता है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन की टीम पूरी तरीके से तितर बितर हो जाए, जिसे समेटने के लिए वो अपनी अगली एक और मूवी लेके आएंगे इंडीगेम जैसी। और अगर आप सोच रहे हैं कि स्पाइडरमैन अर्थ 616 को मेन मार्वल यूनिवर्स को अर्थ 1999 क्यों बोल रहा था, तो वो इसलिए क्योंकि इंटरनेट पे इसे 1999 ही माना जाता है, जबकि केविन फाइगी इसे अर्थ 616 मानते हैं। तो वेट करते हैं 2 जून का और तब हमें पता चलेगा कि सोनी क्या हमें दिखाने वाला है।